दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का एडुटॉक इंडिया के इस बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन वाले वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी अभी एडुटॉक इंडिया ने एक अचीवमेंट क्रॉस किया है और वो अचीवमेंट हर यूट्यूबर के लिए, हर यूट्यूब चैनल के लिए एक बहुत बड़ा मायने रखता है और वो है 1000 सब्सक्राइबर। तो हमने अभी जस्ट जो है 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किया है और बहुत तेजी से ये संख्या बढ़ रही है। आज मैं आउटडोर में आया हूँ शूट करने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें भी बताऊंगा, कुछ चीज़ें भी डिस्कस करूंगा। अब जो 1000 सब्सक्राइबर के बाद जो वीडियोस की क्वालिटी होगी, कंटेंट होगा, जो मैटर्स होंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हों, जो आपके लाइफ में असर डालती हैं, और वैसी बातों को लेकर के हम अपने चैनल पे वीडियोस बनाने जा रहे हैं जिससे आपको फायदा मिले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसमें आपको फायदा मिले। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में कोरोना, आपको अगर याद होगा, आज जो मैं खड़ा हूँ, आज का डेट है 17 मार्च, और 17 मार्च के दिन ये वही समय है जिस समय भारत में पिछले साल कोरोना की लगभग एंट्री हुई थी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में आए थे और उन्होंने 23 मार्च के बाद में लॉकडाउन कर दिया था। तो लगभग यही वो समय था जिस समय भारत में कोरोना जो था वो बढ़ रहा था। और इत्तेफाक की बात देखिए कि एक साल के बाद फिर से भारत के कुछ हिस्सों में ये कोरोना फिर से अपना पैर पसार रहा है। तो हमने पिछली बार ऐसी कौन सी गलतियां की थी जो हमें इस बार नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं सबकी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है और मैंने स्कूल से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए थे मैंने, तो इस वीडियो में मैं स्कूल की बात करूंगा। क्योंकि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर स्कूल्स खुल गए हैं, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर स्कूल खुल करके दोबारा बंद हो गए हैं क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर हम स्कूलों को खोलते हैं, स्कूलों को चलाते हैं, तो बहुत सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अगर हमने फिर से गलतियां की तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है कहीं ना कहीं बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी होकर के जो पिछले एक साल में एजुकेशन इंडस्ट्री ने झेला है, मैं अभी दिल्ली में हूँ और मैं आपको बता दूँ, बहुत मुश्किल से अभी दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट्स हैं या स्कूल्स हैं ये अभी खुलने शुरू हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स तो खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूल में भी कुछ लिमिटेशन अगर देखा जाए तो कुछ लिमिटेड नंबर में चीज़ें जो है खुल रही हैं। इंस्टीट्यूट्स जो है अभी भी फुल फ्लेज्ड नहीं खुले हैं, सब लोग खुलने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में केसेस, हालांकि दिल्ली में इतनी बुरी हालत नहीं है जितने कि अभी आप महाराष्ट्र में सुन रहे हैं, दिल्ली में इतनी बुरी हालत नहीं है, लेकिन कब ये एक कोरोना ब्लास्ट हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो सभी स्कूल ओनर से, सभी एजुकेशनिस्ट से, सभी टीचर से और सभी स्टूडेंट से मैं यही अपील करूंगा कि यदि आप कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, यदि आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, यदि आप स्कूल को संचालित कर रहे हैं, तो जरा से भी लापरवाही मत बरतिए। क्योंकि जरा से भी आपकी जो लापरवाही है वो इस कोरोना के स्प्रेड का कारण बन सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए, नेशनल टॉपिक्स रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।